दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अगर आप ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो आपको ये जानकारी ज़रूर होगी कि लेकिन आप किसान नहीं हैं और आपने अक्सर ही ट्रैक्टर को ज़्यादा ध्यान से देखकर ये सोचा होगा कि आखिर इसका साइलेंसर ऊपर की तरफ क्यों होता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये है कि ट्रैक्टर का उपयोग केवल खेती के कामों के लिए किया जाता है, इसलिए ही आपने देखा होगा कि इसका लागत मूल्य भी कम से कम रखा जाता है। बस इसी के तहत ऐसा है। दरअसल जब किसी अच्छी गाड़ी को बनाया जाता है तो उसके डिजाइन का खास ख्याल रखते हुए उसके साइलेंसर को गाड़ी के पीछे की तरफ नीचे की ओर लगाया जाता है। लेकिन ट्रैक्टर आम वाहन जो खेती के काम आता है, ऐसे में जब उसका इंजन अगले हिस्से में है तो गैर जरूरी पाइपिंग जोड़ते हुए साइलेंसर को घुमा फिरा कर कारों की तरह पीछे तक ले जाने में अनावश्यक खर्च से उसको बचाया जाता है। अब तो समझे दोस्तों, ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर की तरफ क्यों होता है ये आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। इसके अलावा ये रखरवा और मरम्मत की दृष्टि से भी काफ़ी उपयुक्त है। इसके ऊपर और आगे की तरफ लगे होने के चलते ही अगर इसमें कोई परेशानी आती है तो मरम्मत के लिए मैकेनिक को ना तो नीचे लेटने की ज़रूरत होती है और ना ही जैक लगा ट्रैक्टर को लिफ्ट करने की। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर में रख रखाव को भी काफ़ी किफ़ायती रखा गया है। ट्रैक्टर अक्सर खेती पंखड़ियों, नालों इत्यादि उबड़ खाबड़ आस्तनों पर चलते हैं। ऐसे में अगर साइलेंसर नीचे की तरफ लगाया गया होता तो इससे जल्दी क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती। इसके अलावा एक रिसर्च में ये भी होता है कि ट्रैक्टर में अक्सर पीछे की तरफ ट्राली जोड़ दी जाती है जिसमें अनाज फल सब्जियों के अलावा कभी कभी कुछ लोग भी सफ़र करते हैं। अब ज़रा सोच कर देखिए कि अगर इंजन से निकलने वाली जहरीली गैस पीछे की तरफ निकालती तो उन फल सब्जियों और अनाज के दूषित होने के साथ ही बैठने वाले लोगों को भी सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। वहीं खेती से संबंधित बहुत से कामों में भी पीछे की तरफ लगा हुआ साइलेंसर उपयुक्त नहीं माना गया है। दोस्तों, ट्रैक्टर का साइलेंसर ऊपर की तरफ क्यों होता है अब आप तो जान ही गए होंगे, लेकिन मैं कुछ जानकारियां और भी बता देता हूं इसके बारे में। जैसे कि खेती की जुताई बुआई और फसल की कटाई इत्यादि, और फिर ट्रैक्टर कोई परिवहन का साधन नहीं, लंबी दूरी के लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वह तो खेतों और दूसरे उद्योगों में काम करने वाली मशीन है। वही कारों में प्रदान की जाने वाली शोर रहित कैब जैसी आरामदायक सुविधा पर यहाँ जोर नहीं दिया गया, जबकि कारों से अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हुए उन्हें ज़्यादा आरामदायक बनाया जाना जरूरी है, जिसके लिए उनके साइलेंसर को घुमाकर पीछे की तरफ रखा जाता है ताकि शोर से बचा जा सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके और इस नॉलेज भरी वीडियो का लुत्फ़ उठा सके। और अगर आप दोस्तों हमें खबरी पर सुन रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा।